कोरोना महामारी का असर इस बार चर्च पर भी देखने को मिला। जी हां, क्रिसमस के मौके पर जहां चर्च पर लोगों की भीड़ होती थी, वहीं आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वसंत कुंज के चर्च की, जहां पर वसंत कुंज की चर्च का मेन गेट बंद है, थोड़ी बहुत लाइटिंग करी गई है और जो लोग आ रहे हैं वो बाहर से ही प्रे कर कर चले जा रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर आपको बता दें कि हमेशा क्रिसमस के मौके पर जो गेट है वो खुले रहते थे, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि गेट पूरी तरीके से बंद है। जो लोग आ रहे हैं वो बाहर से ही प्रे कर कर चले जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार जो है राजधानी दिल्ली में बना हुआ है और इस वजह से लोग जो हैं वो बेहद कम पहुंच रहे हैं और एहतियातन के तौर पर चर्च की तरफ से भी जो है मेन गेट बंद किया गया है और लोगों को ये एहतियातन बोला गया है कि वो बाहर से ही प्रे कर कर चले जाएं। तस्वीरें हम आपको वसंत कुंज के चर्च की दिखा रहे हैं। एक मिनट, हाँ, जैसे मेन गेट बंद है और क्या क्या रहा फ्रंट से जाते थे मैम, आज जिससे आप लोग क्रिसमस के डे पहुंचे, क्या डिफरेंट क्या देख रहे हैं इस कोरोना काल में आप लोग? कोरोना में तो लोग है नहीं है, 10-20 लोग है, अदरवाइज तो 100-200 लोग होता है। तो सारे लोग अपना मास्क वगैरह लगा हुआ है पूरा, और 10-20 लोग मुश्किल के रिश्तेदार, नहीं तो 200-250 लोग होता है ना हर साल। इस बार तो आप लोग सब प्रे करके जा रहे हैं आप लोग घर? हाँ, प्रे करके जा रहे हैं। बोलिए, इस बार के क्रिसमस में क्या अलग दिखा आपको? अलग मेरे यहाँ पे भाईजान 350 लोग आते थे, 50 लोग आए हुए हैं जी, 50 से कम है। अच्छा, बस क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आपकी तरफ से? कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल यूज हुए हैं, सैनिटाइजर से लेके सब कुछ, जो जो है प्रोटोकॉल है कोविड-19 के, सब कुछ हमने फॉलो करा है। अच्छा, ठीक है भाईजान।